एक बार राघव जी ने अपने हाथों से कुछ पुष्पों का चयन किया और उन सारे फूलों को गूथ करके मेरे ठाकुर जी ने मैया जी के लिए आज आभूषण बनाए हैं। हाथों के कंगन बनाए हैं, गले में माला बनाई है, कानों के कर्ण फूल बनाए हैं, माथे की मांग टीका तैयार की। ये सारे आभूषण राघव जी ने जब बनाए तो अब बनाने के बाद क्या किया, सीत ही पहिरायो प्रभु सादर। मैया जी को अति आदर से मेरे राघव जी ने अपने हाथ से आज वो आभूषण पहनाए। ये लीला आज तक कभी किसी ने ऐसी लीला राघव जी की नहीं देखी थी, ये प्रथम बार था। जितने देवता थे प्रभु की इस लीला के दर्शन के लिए सब आकाश में आकर खड़े हो गए, ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सुमन वृष्टि कर रहे हैं, सब तो राघव जी की जय जयकार कर रहे थे। उन्हीं देवताओं में एक कोने में खड़ा था इंद्र का बेटा जयंत। जयंत ने कहा, ये नीचे का हो रहा है? अब नीचे देखा जयंत ने, अरे ये अपनी भार्या का, अपनी धर्म पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं और ये सारे देवता इनको भगवान समझ के इनके भरोसे बैठे हैं कि ये रावण को मारेंगे। अरे अरे अरे, ऐसी चूक ये देवता करके बैठे हैं? भला जो अपनी भार्या का श्रृंगार करे, भला भगवान या ब्रह्म का स्वभाव ऐसा होता है क्या? ये सारे देवता धोखा खाएंगे, इनके भरोसे ये रावण मारेंगे। मैं जाता हूँ, इनके बल की परीक्षा लेके आता हूँ और तब इन देवताओं को बताता हूँ कि जिनके भरोसे बैठे हो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, राघव जी के बल का परीक्षण करने के लिए जयंत चला। अब सोचने लगा कैसे ले इनकी परीक्षा। अब बना भी तो क्या बना, कौआ मूढ़ मंद मति कारण कागा। काग का वेश बना के, कौवे का वेश बना के जयंत चला है क्या करने, भगवान की परीक्षा लेने। अब ऐसे सोचिए जैसे चींटी कहे, आज हम पता लगा के रहेंगे समुद्र के भीतर कितना पानी है। तो समुद्र तो छोड़ो महारानी, तुम रेत में ही हैरा जाओगी, समुद्र के पानी तक कहाँ पहुंचोगे। वही हाल इस काग का है। जयंत चला, अब सोचा क्या करूं, कैसे पता चलेगा। मैया जानकी जी के चरणों में चोंच से जयंत ने प्रहार किया और भाग गया। अच्छा, माँ ने नहीं बताया क्यों। माँ ने सोचा चाहे जैसा हो, है तो मेरी ही संतान, अपना ही बालक है, राघव जी से अगर बताऊंगी तो फिर इसके प्राण नहीं बचेंगे। मैया ने बताया नहीं। मही जा तब चौंक पड़ी छन में, कवि भैरव चूचे गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, ना मिला अवलंब पड़ा चरणों में, नाथ क्षमाए इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मैया चौंक तो पड़ी चोंच के लगने से, पर राघव जी को बताया नहीं। तो राघव जी को पता कैसे चला, जब माँ के चरणों की रक्त धारा राघव जी के चरणों तक पहुंची, अब राघव जी समझ गए। राघव जी ने देखा एक साधारण सा काग आज मेरे बल की परीक्षा लेने के लिए आया है। तो प्रभु ने क्या किया, किसी ने राघव जी से कहा कि अगर जयंत के पीछे छोड़ना ही था तो धनुष से बाण चढ़ा के छोड़ते। यहाँ राघव जी ने धनुष बाण नहीं उठाया है, तो क्या किया, जिस कुश के आसन पर प्रभु विराजमान थे ना, उसी से दो सीक निकाली, एक को मोड़कर धनुष का रूप दिया और दूसरे को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ दिया।
राघव जी से पूछा, प्रभु आपको तो धनुष बाण आपके हाथ में था तो क्यों नहीं चलाया, अब दर्शन करिए। संतों ने कहा एक कौवा को मारने के लिए भगवान को क्या भला धनुष बाण उठाने की जरूरत पड़ेगी, काग के लिए तो ये कुछ ही काफी है। अब ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ा, अब जयंत की हालत। बचवा जब गलती करता है ना तो सबसे पहले अपने बाबूजी की याद आती है, कुछ भी उठपटांग करे पहला दरवाजा माँ बाप का। अब जयंत भागते 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 स्वर्ग लोक पहुंचा, पिताजी पिताजी रक्षा करो रक्षा करो। पिताजी ने कहा क्या हो गया क्या हो गया, थोड़ा आराम से बता तो सही क्या बात हुई। पिताजी बात यह है ना, मैं राम जी के बल की परीक्षा लेना चाहता था तो माँ के चरणों में कौवा बन के चोच मार के आ गया हूँ। इंद्रदेव ने कहा अच्छा, द्वारपालों से कहा दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा चलो प्राण तो बचे, अब हमारे बाबूजी बचा लेंगे हमको। जयंत जैसे ही बैठने जा रहा था आसन पे, पिताजी ने कहा इंद्रदेव ने, अरे अरे सुनो, पहले इसको बाहर धक्का मार के करो तब दरवाजा बंद करो, इसको बाहर निकालो। जयंत को आज अपने पिताजी के यहाँ सहारा नहीं मिला। अब भागता भागता गया, अरे अपने पिताजी काम नहीं आए तो क्या हुआ, ब्रह्मदेव पितामह तो काम आएंगे ही आएंगे। ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मदेव रक्ष माम रक्षा करो मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया, घटना बताई, मैंने मैया के चरणों में चोंच से प्रहार किया है और आज मैं भाग के आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत निकल जाओ इसके पहले कि हम तुम्हें कोई और दूसरे हथियार से मारे। भागता गया शंकर जी के पास, कुछ बोल पाता देख रहा है बाबा पहले ही त्रिशूल लिए ठाड़े हैं। जयंत को कहीं ठौर नहीं मिली, तीनों लोक में भागता फिर रहा है, कहां ठौर मिले कौन दे सहारा। अचानक मिल गए नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा ओ अरे ये तो इंद्र का बिटवा है जयंत, ओ जयंत इधर आओ इधर आओ। नहीं महाराज रोको नहीं, मर जाऊंगा, रोकिए मत, बिल्कुल मत रोकिए, समय नहीं है, पीछे ब्रह्मास्त्र लगाया, इधर रुका इधर मरा। नारद जी ने कहा आओ तो सही, पहले बताओ तो सही हुआ क्या है। नारद जी से जयंत ने कहा क्या बताएं, आप हमारी क्या सहायता करेंगे, अरे आज तो जब मेरे अपने पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया नारद जी, तो और कौन संसार में मेरा साथ देगा। नारद जी ने कहा पर किया क्या है, हुआ क्या है, भाग क्यों रहा है। जयंत ने कहा क्या बताऊं, माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके मैं भाग लिया हूँ और ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लग गया। नारद जी जाने दो नहीं, अब मारेगा या तब मारेगा, मैं बचूंगा नहीं आज। नारद जी ने हंसकर कहा अरे मूरख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा। संसार से जब कोई दुखी होता है तो इनके दर पे जाता है, और जिनको इनके द्वार पे ना आसरा मिले, जो इनका अपराध कर बैठे, तो कौन उसको और संसार में सहारा देगा, जो इनकी चौखट छोड़ दे। जयंत ने कहा ये तो आज मैंने देख ही लिया, मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अनाथ की तरह आज पूरे संसार में भटक रहा हूं। नारद जी ने कहा जयंत एक बात सुनो। जयंत ने कहा महाराज जो बोलना है बहुत जल्दी बोलिए, कहे कि ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है मार देगा। नारद जी ने कहा अरे अगर इसे मारना होता तो अब तक मार चुका होता, और इसे मारने के लिए तुम्हारे वध के लिए प्रभु को ये छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी, संकल्प से तुम्हारी मृत्यु हो जाती, तो ये ब्रह्मास्त्र पीछे क्यों लगा है, मारने नहीं आया है, ये मारना नहीं चाहता। अगर मारना होता तो इंद्रलोक में खड़े थे तब नहीं मार देता, ब्रह्मलोक में रुके थे क्या तब नहीं मार देता, अपने यहाँ भोले बाबा के यहाँ रुके थे क्या तब नहीं मार देता, मारना ही नहीं चाहता। जयंत से कहा नारद जी ने, जयंत पूरे संसार के लोग भी अगर तुम्हारा साथ देते और भगवान तुमसे मुंह मोड़ लेते ना, तो उससे बड़े अनाथ तुम कभी नहीं होते। आज तुम अगर ये संसार वालों ने साथ छोड़ दिया है तो तुम कहते हो मैं अनाथ की तरह भटक रहा हूँ, अरे ये पूरी दुनिया के जो नाथ हैं अगर उनके चरण में चले जाओगे तो तुम चाहे सारे लोग तुमसे मुंह मोड़ लें पर जीवन में तुम अनाथ नहीं रहोगे। क्यों हो जे कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में
यहाँ पे मानो एक संकेत इस भजन के द्वारा दिया जा रहा है, आप दर्शन करिए। विश्वामित्र जी महाराज जब आए राम जी को मांगने के लिए तो क्या कहा, निशिचर वध मैं होब सनाथा, मैं अनाथ हूँ सनाथ हो जाऊंगा। आगे बाली कहता है अपनी पत्नी से, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होब सनाथ। बाली जी की तो पत्नी है, अंगद जी जैसा पुत्र है, सुग्रीव जैसा भाई है, इतनी बड़ी नगरी है, फिर भी क्या कहते हैं बाली जी, तारा अगर आज राम जी ने मेरा वध कर भी दिया ना तारा, तो मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा। तो सनाथ कौन, जिसको राघव जी का चरण मिला हो। हो जेकर रंग जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, खोल भील कपि भालो। सबरी निषाद खोल भील कपि भालो, सबरी निषाद खोल भील कपि भालो, सबरी निषाद खोल भील कपि भालो, सबके अपना वेले ने के
जेकर नाथ जग में, ओ जेकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ ओ सनाथ जग के तब नहीं के चुन ली, सोच समझ के तब इन्हीं के चुन ली, सोच समझ के तब नहीं के चुन ली, सोच समझ के तब इन्हीं के चुन ली। अब झुकाई हम कहावा मात जग में, अब झुकाई हम कहावा मात जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, इनका रहते ना कोई अनाथ जग में, इनका रहते ना कोई अनाथ जग में, इनका रहते ना कोई अनाथ जग में, रहते ना कोई अनाथ जग में, कर नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, नाथ रघुनाथ उस नाथ जग में, जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में, इनका रहते ना कोई अनाथ जग में, ओ जेकर नाथ रघुनाथ उसनाथ जग में। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। नारद जी ने कहा, जयंत अपने पिताजी के यहाँ क्या पूरे संसार के हर एक देवी देवता को भी मना लोगे तो भी आज तुम्हारी रक्षा होने वाली नहीं है, तो क्या ये ब्रह्मास्त्र आज मुझे मार ही देगा प्रभु? नारद जी महाराज ने कहा, मैं फिर वही कहता हूँ जयंत, ये मारने के लिए पीछे नहीं लगा है, तो क्यों लगा है? जयंत ने पूछा तो नारद जी ने कहा कि ये तो तुम्हें ये कह रहा है, अरे जयंत जहां से मैं आया हूँ तुम अगर वहीं चले जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा कोई यहाँ बचाव करने वाला नहीं है। ये इसलिए पीछे लगा है क्योंकि ये तुम्हें सही जगह तक पहुंचाना चाहता है। वो सही जगह कौन सी है? नारद जी ने कहा, जिसका अपराध किया है जाकर उन्हीं के चरणों में गिर जाओ,
जयंत ने कहा, मुनिवर इतना बड़ा अपराध करके आया हूँ, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? नारद जी ने कहा, जयंत तुम गए क्यों थे ये कार्य करने, तुमने ऐसे उदंडता की क्यों? जयंत ने कहा, भगवान का मैं प्रभाव देखना चाहता था ना, इसीलिए चला गया था। नारद जी ने कहा, अपने मन के कहने पर, अपने अभिमान के कहने पर तूने भगवान का प्रभाव देखने के लिए ये कार्य किया था ना जयंत, अब मेरे कहने पर एक बार ठाकुर जी का स्वभाव देखने के लिए जा, उनके चरण में चला जा और जाकर देख क्या होता है। जयंत डरते डरते राघव जी के पास गया और जैसे ही चरणों में मस्तक रखा, राघव जी मुस्कुराए और राघव जी ने कहा, जयंत तुमने ऐसा क्यों किया? जयंत ने कहा, प्रभु वो मैं ना परीक्षा लेकर आपके बल का अनुमान लगाना चाहता था। राघव जी ने कहा, तो बल का पता लगा लिया, क्या पता चला? जयंत कहता है, नाथ अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जयंत ने कहा, प्रभु मैंने देखा, क्या देखा? अतुलित बल, आपका बल अतुलित है, आपकी प्रभुता अतुलित है। ठाकुर जी ने कहा, तो पहली बार तो मेरा बल देखने आए थे, मेरा प्रभाव देखने आए थे, अब दोबारा क्यों आए हो? जयंत ने कहा, नाथ पहली बार आया था आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जो बात नारद जी ने कही है वो सच है क्या? अभी भी आपका वो स्वभाव है नाथ? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बस वो स्वभाव देखना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने एक नयन करी तजा भवानी। महादेव यहाँ पर कहते हैं माँ भवानी से, देवी अपराध तो जयंत का ऐसा था कि उसका वध उचित था, लेकिन प्रभु ने केवल उसे अल्प दंड दे करके छोड़ दिया।